हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और साथ साथ में अपनी पढ़ाई में एकदम लीन होंगे। शादियां और बारात आप लोगों के बीत गए होंगे और जिन लोगों के नहीं बीते होंगे प्यारे बच्चों, आप उनको छोड़िए, क्योंकि अब आप लोगों का समय जो है ना वो खत्म हो चुका है, बहुत कम समय है। अगर आप लोग कॉलेज जा रहे होंगे तो आपके कॉलेज के द्वारा सेंटर उन्टर अलॉटमेंट हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों अब समय बहुत कम है और कम समय में ज्यादा मेहनत करना और ज्यादा मेहनत करके बड़ा सा अच्छा सा रिजल्ट लाना है। तो उन सबको लाने के लिए, उन सबको पाने के लिए प्यारे बच्चों आपको मेहनत करना होगा। आपके साथ साथ आपके जो अध्यापक गण है उनको भी मेहनत करना होगा प्यारे बच्चों। तो आज से हम लोग वादा करते हैं कि आज से बचे हुए दिनों में जबरदस्त मेहनत करेंगे और अपने माता और पिता को एक अच्छा सा रिजल्ट ला के दिखाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फिर उसके बाद हम देखेंगे दर्पण सूत्र को साथ साथ में दर्पण फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, अगर क्लास हो सकी तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई कल की क्लास में हम लोगों ने तीन ठो नियम पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर लौटेगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी मार्ग में लौट जाएगी। यदि आपने कल की क्लास देखा है तो आज की क्लास में किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होने वाली प्यारे बच्चे, मेरी गारंटी है। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके तुरंत देखिए, तब इस क्लास को देखिएगा, तब आपको ये क्लास समझ में आएगा प्यारे बच्चों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहली बात अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें सबसे पहली केस है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, ये चीज देखते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि हम लोगों का एक प्यारा सा अवतल दर्पण बनाना, एक प्यारा सा अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसको हम लोग बाहर की तरफ से कलई करते हैं भैया, पेंट करते हैं, वही अवतल दर्पण कहलाता है। जो बाहर से एकदम चिकना चुपड़ा अच्छा सा दिखे वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। बात समझ रहे हो? फिर उसके बाद एक मुख्य अक्ष की रचना करते हैं हम लोग, ये पृष्ठ का मध्य बिंदु, दर्पण का ध्रुव जिसे आप पी से व्यक्त करते हैं, उसके बाद यही कहीं मुख्य फोकस होता है और साथ में यही कहीं वक्रता केंद्र भी होता है प्यारे बच्चों। अब जो वस्तु आपने रखी है वो वस्तु आपने ये रखा है ए और बी, ए और बी, ठीक, जो कि कहां पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो इनसे दो प्रकाश किरणें निकलेंगी, एक प्रकाश किरण तो कहीं निकलेंगी परंतु हमको दो प्रकाश किरणों से हम लोग प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो देखिए इनसे एक प्रकाश किरण निकलेगी प्यारे बच्चों, एक प्रकाश किरण निकलेगी जो कि मुख्य फोकस से होकर जाएगी। बात समझिएगा जरा सा, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी, अब जब ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो याद करो हमने प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर निकलती है तो उस वो मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो भैया ये प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही, यानी ये मुख्य अक्ष के पैरेलल चली जाएंगी, ये आपका ये हो गया। बात समझे आप कि यदि कोई प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। अब देखिए अब एक प्रकाश किरण और निकलेगी जो कि कहां से होकर जाएगी भैया, वक्रता केंद्र से। इसी वस्तु से एक प्रकाश किरण निकला मुख्य फोकस से गया, और इसी वस्तु से एक प्रकाश किरण निकल रही है जो कि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। अब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से क्या होती है, टकराती है, तो टकराने के पश्चात जिस मार्ग से आई रहती है पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। बात समझा रहा हूं? अब ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं भैया, वही वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब। ये देखिए यहां पर काट रही है और अगर हम इनको मिला दें तो ये प्रतिबिंब बन गया।
बना कि नहीं बना। अब वस्तु का मुंडी ऊपर था, प्रतिबिंब का मुंडी नीचे हो गई, तो ये बी डैश हो गया, और ये जो सिर ये है ये नाम हो गया ए डैश। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो हम समझते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना है, काला बना है गोरा, ऐसा बात नहीं, ये बताना कैसा बना, कहाँ बना है। तो अगर हम पहली पॉइंट पूछे आप लोगों से प्यारे बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु से छोटी है, मतलब ये तो बात पक्का हो रहा कि प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। क्या आप ये बात समझ रहे हैं, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। चलिए मान लिया आपकी बात, वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरी पॉइंट प्रतिबिंब की मुंडी नीचे है, वस्तु की मुंडी ऊपर है, मतलब प्रतिबिंब क्या बना, उल्टा बना है। क्या बना है, उल्टा बना है। तो दूसरी पॉइंट की बात करें तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई। चलिए अगले पॉइंट की अगर हम चर्चा करें, थर्ड पॉइंट की, तो जो प्रतिबिंब है वो मुख्य फोकस पे बन रहा है नहीं बन रहा है। तो तीसरे पॉइंट की अगर चर्चा करें तो जो है प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। चलिए मुख्य फोकस पर बनेगा। अब अगला पॉइंट आप देखिए, ये दोनों प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, वास्तव में मिली है, अर्थात प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब क्या बन जाएगा भैया, वास्तविक बनेगा। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अगर आपसे वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब बनाने के लिए कहेगा, तो आप आराम से बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। अब हम आगे की टॉपिक देख रहे हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो, मतलब ये वस्तु इस बार अनंत पे नहीं रह के अनंत और सी के बीच में कहीं रख देंगे, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता, ये चीज चेक करना है। चलिए तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, एक अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण बनता है तो उसको हम लोग बाहर से क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, बाहर से पेंट करते हैं, तभी तो ये अवतल दर्पण होगा। तो चलिए फट से जल्दी से अवतल दर्पण बना लेते हैं हम लोग। ठीक, अब उसके बाद एक मुख्य अक्ष की निर्माण करते हैं, और ये जो होता है दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। फिर उसके बाद यही कहीं मुख्य फोकस होता होगा, और यही कहीं इसका क्या होता है, वक्रता केंद्र होती है। और इस बार वस्तु को, जो वस्तु है उसको हमको अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, ये अनंत हो गया तो अनंत और वक्रता केंद्र के क्या, मध्य रखना है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। तो मान लेते हैं कि कोई ये वस्तु होगी, थोड़ी सी वस्तु की साइज छोटी कर लेते हैं हम लोग, ये कोई वस्तु होगी जिसका नाम ए और बी है, और ये अनंत और वक्रता केंद्र के क्या है, एकदम मध्य में स्थित है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। चलिए अब यहां से एक प्रकाश किरणें निकलेंगी जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण पर पड़ जाएंगी। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरणें यहां से निकली और मुख्य अक्ष के समांतर गई, और वो जब दर्पण से टकराएंगी ना, दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से लौट के आती हैं, मुख्य फोकस से होकर लौटती हैं। ये हमने नियम आपको बताया था प्यारे बच्चों कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर लौटती है। दूसरा अगर बात करें तो यदि दूसरी प्रकाश किरण निकली तो परंतु वो कहां से होकर गई, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और जिस मार्ग से गई रहती है उसी मार्ग में वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, वही वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा प्यारे बच्चों। और प्रतिबिंब की जो मुंडी है वो नीचे हो गया है, और जो पाद बिंदु था वो ऊपर हो गया। ये देखिए समझ में आया। तो आप बताओ, जो पहला प्रतिबिंब है, जो बनने वाला प्रतिबिंब है, वो वस्तु से छोटा है या बड़ा है। वस्तु ए बी है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, तो देख रहे होंगे प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। तो यहाँ चीज ये लिख दे रहे हैं कि भैया प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा।
प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। क्या किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों? वस्तु से छोटा बनेगा। अब बताओ दूसरा पॉइंट, अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बना है, क्योंकि इसका सिर ऊपर है, इसका सिर नीचे है। क्या होगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। चलिए अब थर्ड पॉइंट की चर्चा करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है भैया? थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कहाँ बना है सी और एफ। सी का नाम वक्रता केंद्र, एफ का नाम मुख्य फोकस। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र सी है ना आपका, तो वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस यफ के मध्य बना है। यफ के मध्य बनेगा, मध्य बनेगा। ये आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है बच्चों। और लास्ट, ये दोनों वास्तव में काट रहे हैं रेखाएं, इसलिए प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ठीक। ये रहा आपका चौथा पॉइंट। अब हम चलेंगे थर्ड स्थिति यानी तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, अर्थात ये वस्तु एक बार यहां थी, एक बार बीच में आई, एक बार अब वक्रता केंद्र पर आएगी। चलिए तो सबसे पहले अगर हमको बनाना है तो एक अवतल दर्पण बनाना है। क्या बनाना है प्यारे बच्चों? एक अवतल दर्पण बनाना है, ठीक। अब अवतल दर्पण बनाए हैं तो भाई बाहर से आपको पेंट करना ही पड़ेगा, तो चलिए बाहर से इनको पेंट कर देते हैं। और ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? अवतल दर्पण। क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। फिर उसके बाद एक मुख्य अक्ष बनाएंगे, ये ध्रुव होगा और ये कहीं मुख्य फोकस होगी इसकी, और ये कहीं क्या होगी? वक्रता केंद्र। चलिए इस बार वस्तु क्या कह रहा है जान है? ये आपका वक्रता केंद्र है आपका। इस बार वस्तु आपकी कहीं नहीं रहेगी बल्कि इसी वक्रता केंद्र पे रहेगा। तो चलिए वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखते हैं और प्रतिबिंब बनाते हैं। ये कोई वस्तु ए और बी हो गया। चले अब यहां से पहली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। तो भैया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती है कहां से होकर जाती? मुख्य फोकस से होकर जाती मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये हुआ आपका पहला नियम। अब वो वक्रता केंद्र से तो होकर जाएंगे नहीं भैया। क्यों नहीं जाएंगे वक्रता केंद्र से? क्योंकि वक्रता ही केंद्र पे आपने वस्तु रख दिया तो जाएगा कहां से? प्रकाश तो बाहर सामने जाएगा ना, तो अब सामने आप कहां से ये होकर जाएंगी? मुख्य फोकस से। तो जब प्रकाश किरणें कहां से होकर जाती है भैया? मुख्य फोकस से होकर जाती है। वो दर्पण से जब टकराती हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। तो ये जहां एक दूसरे को काट रही हैं वहीं वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो गाइस थोड़ी सी ये जो लाइन है वो आपकी थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, इसलिए आपका जो ये प्रतिबिंब है वो थोड़ा सा आगे पीछे बन रहा है। तो इसको हम लोग सुधारते हैं, इस लाइन को जरा सा। आप लोग स्केल की जो मदद से जब बनाएंगे तो जरा सा भी लाइन आपकी टेढ़ी नहीं होगी, ठीक। चलिए ये भी है तो लगभग चलो मान लेते हैं भैया हम लोग की यहाँ पर काट रहा है, ठीक। जब यहां पर काट रहा है तो हम इनको मिला देंगे। जब यहां इनको मिलाएंगे तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। मुंडी नीचे है बी डैश और सर इसका ऊपर है ए डैश, ठीक भैया। अब आप देख पा रहे होंगे, अब आप देख पा रहे होंगे कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो खास बात ये होती है कि जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के मध्य में रख दें, यानी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे रख दें, तो जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है यहां, प्रतिबिंब वस्तु के क्या बनेगा? बराबर बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। चलिए अब
सेकेंड पॉइंट की चर्चा करते हैं, वस्तु के बराबर बने, कहां बना है, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। तो जो सेकेंड पॉइंट है वो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक, अब थर्ड पॉइंट की चर्चा करें तो थर्ड पॉइंट आपका क्या है प्यारे बच्चों, थर्ड पॉइंट आपका ये है कि उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा और आपका जो चौथा पॉइंट है वो वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, ये रहा प्यारे बच्चों आपकी तीन स्थितियां कि जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, और जब वस्तु कहां पर हो, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो, और जब वस्तु अनंत पर हो। तीनों स्थितियों का हम लोगों ने प्रतिबिंब सीख लिया, कैसे बनता है आपके सामने बिल्कुल एकदम आसान भाषा में प्यारे बच्चों ने समझाया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, फिर हम जो बची हुई स्थितियां हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो गाइज अवतल दर्पण में तीन स्थिति और बची है, अब उनमें से चौथी स्थिति यह है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य होता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है। अभी तक वक्रता केंद्र देखे, अब हम देखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो तो क्या होता है। तो चलिए गाइस अब हम बनाते क्या है कि सबसे पहला काम है प्यारे बच्चों अवतल दर्पण बनाना, तो जिसको हम बाहर से पॉलिश कर देते हैं और अंदर से परावर्तक बना देते हैं, वो प्यारा सा जो दर्पण होता है उसका नाम अवतल दर्पण होता है। फिर उसके बाद ये रेखा इसकी मुख्य अक्ष कहलाती है, ये इसका ध्रुव कहलाता है, और ये बिंदु मुख्य फोकस कहलाएगी, और ये बिंदु वक्रता केंद्र कहलाएगी। ठीक, अब वस्तु कहां पर है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य, यानी यहां पर रखा है। चलिए पहला नियम लगाइए, वस्तु का नाम ए और बी है। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। टकराने के पश्चात कहां से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये आपका पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा तो वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी नहीं क्योंकि पीछे हो चुका है, प्रकाश आगे ही जाएगा। तो भैया दूसरा नियम यह है कि मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। जब ये दोनों जहां काट रही हैं वहीं वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो ये देखिए ये, अब प्रतिबिंब की मुंडी नीचे और जो पाद बिंदु है वो ऊपर हो गया। आप देखिए ये मान लेते हैं अनंत दूरी हो गई, तो प्रतिबिंब बना कहां प्यारे बच्चों, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु से बड़ा बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है। एक बार फिर से देखिए, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बना है और कहां बना है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बना है, उल्टा बना है, क्या बना है, उल्टा बना है। ये सब चीजें हम नोट कर देते हैं प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं, जब वस्तु ये वाली वस्तु, ये वाली वस्तु कहां पर हो, मुख्य फोकस पर हो, उसके लिए अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक, ये ध्रुव हो गया और ये कहीं मुख्य फोकस हो गई और ये कहीं इसकी वक्रता केंद्र हो गया। अब वस्तु कहां पर है, मुख्य फोकस पर, अर्थात इस बार वस्तु आपकी ये है ए और बी, मुख्य फोकस पर। तो पहला नियम क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात कहां से होकर जाती है प्यारे बच्चों, दर्पण से टकराने के पश्चात
वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? दूसरा क्या था, आपने पढ़ा था कि भाई अब आगे कोई बिंदु ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये मान लेते हैं कि यहां से प्रकाश किरणें ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं। तो चलिए, एक प्रकाश किरणें कहां से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो ध्यान से देखिए, जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, तो जब दर्पण से टकराती हैं, तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो सीधे निकल जाती हैं। तो जब वो सीधे इधर की तरफ निकलेंगी, तो ये सीधे आपकी चली आएंगी इस प्रकार। ठीक, तो आप देखिए, अगर इन दोनों किरणों को आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जाके ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे। अगर सोचिए, अगर यहीं पर काटी होती तो प्रतिबिंब काफी बड़ा बनता। अभी तो यहां पर भी नहीं काटी है, अर्थात ये पीछे जाके और पीछे कहीं अनंत पे काटेगी, वो दूरी निश्चित नहीं है। तो बताओ, सबसे पहला पॉइंट, प्रतिबिंब वस्तु से काफी बड़ा बनेगा, क्योंकि अभी यहां बनता तो भी बड़ा होता, वस्तु इतना ही है, अब प्रतिबिंब और बड़ा होगा, वस्तु से काफी बड़ा बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? काफी बड़ा बनेगा। चलिए, अब आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या होगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? वास्तविक के साथ साथ उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों? अनंत पर, अनंत पर बनेगा। ठीक, ये रहा आपका जब वस्तु मुख्य फोकस हो। अब हम लास्ट स्थिति की चर्चा करेंगे कि जब वस्तु ये मुख्य फोकस हो, ध्रुव के मध्य हो। आइए, हम इसके लिए भी एक अवतल दर्पण बना लेते हैं प्यारे बच्चों। ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ठीक, अब ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसकी ध्रुव हो गई, ये इसकी मुख्य फोकस हो गया, और ये इसकी वक्रता केंद्र हो गई। इस बार वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य रखा गया। इस बार वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई है, ए और बी। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाती है भैया? दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। कहाँ से होकर जाएंगी प्यारे बच्चों? मुख्य फोकस से। तो चलिए, थोड़ा सा आप लोग स्केल की मदद से बनाएंगे। ये देखिए, तो ये कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब दूसरा, यदि प्रकाश, दूसरी प्रकाश किरणें कहां से होकर जाएंगी? वक्रता केंद्र से होकर। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती हैं। अब देखिए, आप इन दोनों को जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ये दोनों प्रकाश किरणें फैलती जा रही हैं। तो मतलब ये अनंत पे तो आके नहीं बनेंगी, अनंत पे तो बनने वाली नहीं। तो इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ा लेते, इमेजिन कर लेते हैं कि पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो भैया, अगर इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाओ, वास्तव में यहां नहीं है, परंतु हम इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ना, तो ये कहीं न कहीं जाके एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे, और जहां प्रतिच्छेद करेंगी वहीं वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये प्रतिबिंब बन गया ए डैश और बी डैश। अब आप बताइए, सबसे पहला जो स्थिति है, प्रतिबिंब वस्तु इतना छोटा है, बड़ा बना है, तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। सेकेंड स्थिति की बात करें तो सेकेंड स्थिति की क्या है? जो प्रतिबिंब बड़ा तो बनेगा, साथ साथ सीधा बनेगा। देखिए, इसका सर ऊपर है, उसका सर भी, तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? सीधा बनेगा। अब प्रकाश किरणें वहां वास्तव में तो काट नहीं रही है, आपने केवल इमेजिन किया, तो वास्तविक तो बनेगा नहीं। क्या बनेगा? आभासी बनेगा। तो जो अगली पॉइंट है वो क्या होगी? प्रतिबिंब आभासी बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? आभासी बनेगा। और अगला पॉइंट है चौथा, क्या है? कहां बना है भी? दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। केवल प्यारे बच्चों यही एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, और बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है।
इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थिति थी वो कंप्लीट हो गए हैं। आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की सारी स्थितियां कंप्लीट किया है। अब उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थिति होती प्यारे बच्चों, एक जब वस्तु अनंत पे होता है और एक जब अनंत और ध्रुव के मध्य होता है। आइए हम देख लेते हैं इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को हम लोग भैया अंदर से कलई करते हैं। कहां से कलई करते हैं? अंदर से। तो ये बन गया आपका उत्तल दर्पण। अब उसके बाद एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं, ठीक। ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी क्या हो गई? ध्रुव हो गई। और यही कहीं न कहीं मुख्य फोकस होगा और यही कहीं न कहीं वक्रता केंद्र होगा। अब जो वस्तु है वो अनंत और ध्रुव के मध्य है, अनंत और ध्रुव के मध्य। तो मतलब एक सॉरी जो वस्तु है वो अनंत पर है। कहां पर? अनंत पे। तो मान लेते हैं कि ये अनंत दूरी है और अनंत पर ये कोई एक वस्तु हो गई, खूब बड़ा सा वस्तु ए और बी, ठीक। अब यहां से 2 प्रकाश किरणें जाएंगी, 2 प्रकाश किरणें जाएंगी। अब वो देखते हैं दोनों कहां से मिल करती हैं। तो ये ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि जो वस्तु है अनंत पर स्थित है, 2 वस्तुएं हैं वो कहां पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। तो एक प्रकाश किरणें इस प्रकार आपतित हो गई इस पे, ठीक। जरा से समझिएगा, एक प्रकाश किरण ये आपतित हो गई और दूसरी प्रकाश किरण ये आपतित हो गई। अब उत्तल दर्पण करेंगे क्या कि इन दोनों प्रकाश किरणों को वापस फिर लौटा देगा उधर। ये दोनों प्रकाश किरण प्यारे बच्चों इधर की तरफ लौट जाएंगी और ये भी प्रकाश किरण इधर की तरफ लौट जाएंगी। अब ये दोनों लौट के तो इधर मिलने वाली नहीं क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो चुकी है, ऐसे ही सेम टू सेम आगे जाते जाएंगी। परंतु अगर इन दोनों किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर जरूर कहीं ना कहीं क्या होंगी, ये एक दूसरे को काट देंगी। तो वो काटेंगी कहां? वही हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। आइए हम देखते हैं। तो वो एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद कर रही? मुख्य फोकस पे प्रतिच्छेद कर रही है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों प्रकाश किरणें कहां से होकर आ रही? मुख्य फोकस से होकर आ रही। तो बताओ इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पहला पॉइंट बोलिए, जो प्रतिबिंब है वो बिंद रूपी बना है। क्या बनेगा? बिंद रूपी, बहुत ही छोटा बनेगा। और साथ में अगला पॉइंट, आभासी बनेगा, वास्तव में नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा। अब थर्ड पॉइंट की चर्चा करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? कहां बना है? मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक। और क्या बनेगा प्यारे बच्चों? ठीक, अगला जो होगा, जो होगा वो प्रतिबिंब क्या होगा प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अभी बिंद रूपी है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। अब आप जो सेकंड स्थिति है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये आपका एक उत्तल दर्पण हो गया, ठीक, ये उत्तल दर्पण हो गया और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका ध्रुव हो गया और ये इसकी मुख्य फोकस हो गई और अगली लाइन वक्रता केंद्र हो गया। अब इस बार वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य है, ये मान लेते हैं ये कोई वस्तु हो गई ए और बी, ये कोई वस्तु ए और बी होगा। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराती हैं। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या नियम था? दर्पण से टकराती तो ऐसा लगता है कि वो मुख्य फोकस से आ रही है। वो कहां से आ रही? मुख्य फोकस से होकर आ रही, ऐसा लगता है कि वो प्रकाश किरणें कहां से आ रही? मुख्य फोकस। ये उत्तल दर्पण के लिए नियम था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और दूसरा नियम हमने क्या बताया था बच्चों? कि वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, कहां? वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें जिस मार्ग से गई रहती हैं पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। अब ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काटे हैं वहीं पर वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब बना है ए डैश और बी डैश, देख पा रहे हैं?
तो बताइए पहला पॉइंट, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या बना है, छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अगले पॉइंट की बात करें, आभासी बनेगा, क्या बनेगा, आभासी बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। हम अगले पॉइंट की चर्चा करें तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ये रहा आपका चार पॉइंट। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। आज की क्लास में हम लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण वाला प्रतिबिंब बनने की जितनी स्थितियां थी सारी स्थितियों को पढ़ लिए प्यारे बच्चों। अगर पूरे क्लास के दौरान कहीं भी कोई भी डाउट रह गया होगा तो प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर पूर्ण रूप से आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।